हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबल जॉब्स। माय नेम इज आकाश। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गाइज, एक्सेंचर कंपनी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक बहुत ही फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो गाइज, एक्सेंचर की तरफ से भी एक रिसेंटली ओपनिंग आई है स्पेशली क्वेरी मैनेजमेंट के लिए। बहुत अच्छे लेवल पे अभी इनकी हायरिंग चल रही है, जहां पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो काफी अच्छी अर्निंग के साथ बहुत सारी लर्निंग्स भी है जो आप यहां से सीख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि यहां पे आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है, कैसे हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस यहां पे आपसे पूछे जाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहां पे आपका सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है। और गाइस, अगर आप किसी भी तरीके की कोई सेल्स बीपी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एबल जॉब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सेंचर के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली है क्या, किस तरीके की चीजों में डील करती है कंपनी। तो गाइस, बेसिकली एक्सेंचर जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बेसिकली प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज में डील करती है। एक तरीके की एक कंसल्टिंग की कंपनी है, और अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस पे बात करूं तो 120 कंट्रीज में है ये जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको इसके जॉब रोल के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है। गाइस, यहाँ पे आपका गाइस मेजर इशू क्या है कि कस्टमर की जितनी भी कंप्लेंट्स यहाँ पे आती है, आपने उनको कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू आपने उनको रिजॉल्व करना है, उनकी कंप्लेंट्स को आपने हैंडल करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप अपनी टीम के साथ जो है बात करके आपने उनको हैंडल करना है। एंड इसमें जो आपका वर्किंग रहेगा वो रोटेशनल शिफ्ट्स रहेंगी, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, लेट नाइट, इस तरीके से जो आपका है काम आपका रोटेशनल शिफ्ट्स में रहेगा। ये यहाँ पे गाइस आपका जॉब रोल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे रहने वाला है कि मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्पेशलाइजेशन में आप हो सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो कर ही सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स और बेसिक बिजनेस टर्म्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी रहता है। एंड द लास्ट थिंग कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है स्पेशली रिटन और वर्बल, ये आपकी बहुत एक्सेलेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके के क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, क्योंकि एक तरीके की एमएनसी। बट अगर आप इंडिया में भी डील करते हैं तो फिर भी आपको हर रीजन से हर तरीके के कस्टमर मिलेंगे, इसलिए आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। द नेक्स्ट गाइज, लोकेशन एंड सैलरी। तो गाइज, ये जो लोकेशन है जिस लोकेशन पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला है बेंगलुरु, देन मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, ये सारी मेट्रो सिटीज है जहां पे अभी इनकी ओपनिंग चल रही है। और अगर मैं इनके सैलरी पैकेज की बात करूं तो गाइज आपका सैलरी पैकेज यहां पे लेगा 2 लाख टू 2 लाख 50,000 पर एनम, 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आपका पर ईयर का यहाँ पे गाइज पैकेज रहने वाला है। इंटरव्यू क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्टली जो यूजुअली सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन होता ना, इसको पूछने का मोटिव इंटरव्यू का आपको जानने का नहीं होता, वो तो आपके रिज्यूम से ही देख लेता, वो बस ये देखना चाहता है कि आप अपने आपको कितने इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, कितनी इंटरेस्टिंग चीज आप वहां पे बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपने अपने एक बेस्ट इंट्रोडक्शन वहां पे देना होता है। देन वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप अपने किस स्किल पे सबसे ज्यादा काम करना चाहते हो, तो आप उनको बता सकते हो कि डेफिनेटली ये एक मेरी चीज है, ये मतलब मेरी एक हैबिट है या मेरी स्किल है, इस पे मैं अभी थोड़ा सा लैग कर रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव करने की अभी कोशिश कर रहा हूं, और मैं इसको डेफिनेटली बहुत कम टाइम में इसको मैं इंप्रूव कर लूंगा। द नेक्स्ट थिंग वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक्सेंचर के बारे में क्या जानते हो। गाइज, ये तो बहुत जरूरी होता है कि जिस कंपनी में हम जॉब करना चाहते हैं उसके बारे में तो हमको पता होना चाहिए, और यूजली हर कंपनी के इंटरव्यू में उस कंपनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो गाइज, एक्सेंचर के बारे में आप उनको बता सकते हो, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि बेसिकली एक प्रोफेशनल सर्विसेज की कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद वो थोड़ा सा ये देखने के लिए कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो या नहीं, या वर्क आप संभाल सकते हो नहीं, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करने के लिए विलिंग है। तो बिल्कुल, आप उनको बता सकते हो कि यस, हम रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करने के लिए हम विलिंग है। द नेक्स्ट थिंग वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने कभी टीम के साथ काम किया था, वो आपका सिनेरियो कैसा रहा था, आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया था। तो गाइस, इसके थ्रू ना वो थोड़ा सा जानना चाहता है कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो या कैसे आपने सिचुएशंस को टैकल किया है। तो डेफिनेटली आप उनको बता सकते हो कि जब आप कॉलेज टाइम में थे, जब आपने वहां पे स्टेज हैंडल किया था या आपने कोई सेमिनार लगाए थे वहां पे आपने स्टेज परफॉर्म किया था इस तरीके से, और इवन आपके अंदर स्किल्स हैं, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हेजिटेशन नहीं, तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो, क्योंकि कस्टमर सर्विस सपोर्ट है थोड़ा सा ये,
तो यही चीजें यहाँ पे आपके काम आने वाली है। एंड द लास्ट थिंग, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई इशू आपसे रिजोल्व नहीं हो तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो गाइस यहां पे आप उनको ये आंसर दे सकते हो कि अगर कोई इशू मेरे से रिजोल्व नहीं हो रहा तो उसके लिए डेफिनेटली मेरे साथ मेरी टीम बैठी है, मेरे सीनियर्स बैठे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। अगर उनसे हमारे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ मिलकर हम उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो 100% हम यहां से निकाले लेंगे। तो गाइस ये इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन है जो यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। और गाइस अगर आप इसके इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से जो एबल जॉब एप्लीकेशन उसको भी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसकी कंप्लीट प्रिपरेशंस कराई जाती है। अब गाइस यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस अप्लाई करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एबल जॉब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद गाइस आपने उसको ओपन करना है। जब आप गाइस वहां पे उसको आप ओपन करेंगे, बिल्कुल नीचे राइट साइड कॉर्नर पे आपको ना एक जॉब्स का बटन दिखेगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब गाइस आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक सर्च का बटन दिखेगा, वहां पे आपने सर्च करना एक्सेंचर, जो स्पेशली कंपनी का नेम एक्सेंचर लेके आप सर्च कर देना। वहां पे सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा क्वेरी मैनेजमेंट का, तो आपने उस पर क्लिक करना है। अब गाइस वहां पे सबसे पहले आपको एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी बटन दिख जाएगा, वहां से इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और जब आप उसको थोड़ा सा नीचे को स्वाइप करेंगे तो वहां पे अलग अलग लोकेशन के लिए, जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे उसका डायरेक्ट लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये एक कंप्लीट इसका प्रोसीजर था, ये एक्सेंचर की जो भी ओपनिंग आई है, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा गाइस अगर आप किसी भी तरीके की कोई इंटरव्यू की बीपीओ सेल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारा ये एबल जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस इसके अलावा कोई और भी क्वेरी, कोई डाउट हो आपके मन में तो वो जरूर आप कमेंट करके बताना, देन डेफिनेटली हम पक्का उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक।